Hey guys, welcome back to my channel. So guys, today in this video we will see another elements of the HTML tags or and CSS tag. जी हाँ guys, इस video में यही देखना है कि दूसरे सारे HTML के tags और CSS के elements कैसे हम दूसरे data style कर सकते हैं और भी बहुत. Guys, this is Turkey technical. Let's begin. So मैं अपना फिर से एक और बार विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देता हूँ. न्यू विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, यहाँ पे सेलेक्ट और राइट. ओके, सो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ. हम यहाँ पे थे बेसिक वेब डेवलपमेंट के अंदर. इसको ओके पे करता हूँ क्लिक और ये सेलेक्ट हो गया. इतना तक किया था. मैं जरा इसको गो लाइव कर देता हूँ. इसका शॉर्टकट की याद रख देता हूँ, Alt प्लस L. इसका तो बटन नहीं आ रहा, कोई नहीं. तो आप देख सकते हैं कि हमने इतना स्टाइल किया था और आई होप कि आपको ये सब याद होगा और समझ भी गए होंगे कैसे होता है क्लास, कैसे होता है आईडी, कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं. ओके, आज हम और जानेंगे एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, सीएसएस के अंदर क्या कौन से एलिमेंट्स दूसरे सारे होते हैं. तो सबसे पहले एचटीएमएल के दूसरे एलिमेंट जानते हैं. तो इसे कहते हैं पैराग्राफ एलिमेंट, जिसके अंदर हम अगर मैं अत्यारे कोई भी रैंडम वेबसाइट, अरे यही वेबसाइट को कर देता हूँ सेलेक्ट. ऑल राइट, यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई नहीं, लाइव डेमो ही करके दिखा देता हूँ. अब क्या, जैसे कि हाय माय नेम इज समुद्र, माय नेम इज समुद्र, LEASA प्लीज SUBSERIT सब्सक्राइब टू माय HTML. ओके, चैनल और यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज. ओके, जब देख सकते कि ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दे दिया है. अब देखिए लाइव रीड होते तो ऐसे हम बड़े बड़े सेंटेंस को लिखते हैं छोटे टैग्स के अंदर, उसे कहते हैं हम पैराग्राफ टैग. ओके, ये फायरफॉक्स से गेटिंग स्टार्टेड पे अभी चला जाता हूँ फटाफट. अभी के लिए छोड़, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉलीवुड ड्रिंक्स लोअर और शो कुकीज और आई वांट लर्न 700 ईमेल एप्लीकेशन, ये सब पैराग्राफ टैग के अंदर है. और ये भी आप देख सकते हैं कि नियर 90 सेकेंड वीडियो टाइल राइट अप, आप देख सकते हैं ये सब पैराग्राफ टैग के अंदर है. ओके, आई होप कि आपको पैराग्राफ टैग समझ आ गया. अब दूसरा टैग जिसे कहते हैं ब्रेक टैग और बीआर टैग भी कहते हैं. ब्रेक टैग एक एलिमेंट का पी टैग जितना स्पेस छोड़ के एक नई लाइन में ला देता है, इसे कहते हैं ब्रेक टैग. सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक दूसरे एलिमेंट को नीचे लाइन में ला लेता है, उसे कहते हैं ब्रेक टैग. अभी देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 टैग. ओके, आपको पता है हेडिंग वन हाई लिखता हूँ और लाइन में नहीं आ रहा. गाइस, मैं अब इसके अंदर एक और टैग यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है स्पैन टैग. यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, स्पैन टैग है. यानी कि स्पैन टैग के अंदर कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाती है. ऑल राइट, ये स्टिल क्यों नहीं आ रहा. ओके, स्पैन टैग यहाँ पे नहीं देना था, मैं भूल गया था कि स्पैन टैग असल में यहाँ पे देना था. डिलीट और हो गया के अंदर.
कॉपी और ये पैराग्राफ के अंदर पेस्ट। कंट्रोल एक्स करना चाहिए था, कोई नहीं। अब तो एलिमेंट्स के अंदर जो कह रहा है ओके गाइस। तो पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा, बाकी तो ये ट्रिक तो परफेक्ट ही है। ओके गाइस, सम देखिए अगर मैं अभी जूम कर देता हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, जूम कर देता हूँ। ओके सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाय माय नेम इज रोजा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हाय माय नेम इज चैनल और हाई को सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत कम स्पेस सेलेक्ट करने के बाद, लेकिन जब मैं ब्रेक टैग यूज करूँगा यहाँ पे बी आर टैग, ये ब्रेक टैग यूज किया, यानी कि अब नए लाइन पे आ जाएगा। तो ऑलरेडी नए लाइन पे है। ओके इस बार ब्रेक टैग यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके इसको कंट्रोल एक्स किया, पेस्ट और ये। अब देख सकते हैं कि और ज्यादा स्पेस आ गई जब मैंने इसको ये किया। अब देखिए अगर ब्रेक टैग को कमेंट कर देता हो, अब क्या पता है कमेंट का मतलब, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए अब ऑटो रिफ्रेश है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है, बहुत कम स्पेस है। और जैसे ही मैंने ब्रेक टैग यूज़ किया ज़्यादा स्पेस आ गई। अब देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, जैसे कहते हैं ब्रेक टैग। ओके पता है H1, H2, H3, H4, H5, H6 टैग, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग, अब एक इमेज टैग। हाँ इमेज टैग, जैसे कि अभी ये मेरे लोगो है, ये मेरा लोगो है, ये रहा दूसरे सारे लोगो, ये भी इमेज है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो वो इमेज कैसे लाते हैं वो अब देखेंगे। तो उसके लिए तो पहले जितना कर देता हूँ, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इमेज टैग, यानी IMG टैग। ये एक ऑटो क्लोज टैग, यानी कि जिसका ओपनिंग टैग मेंशन है लेकिन क्लोजिंग टैग मेंशन नहीं है। ओके तो इसके अंदर ऐसे तो इमेज कोई दे भी नहीं सकता, और ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा इमेज है यहाँ पे भी, राइट। तो हमें कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ फाइल जो डाउनलोड की है इमेज की, या फिर कोई ऑनलाइन इमेज, वो तो देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सोर्स है, यानी कि एक एट्रीब्यूट है जिससे हम शो करा सकते हैं हमारे कोई फाइल या वेबसाइट की इमेजेस को। तो अभी मैं कोई फाइल का करा सकते हैं। तो सोर्स टैग सिर्फ इमेज के लिए सोर्स टैग अलग होता है, दूसरे सारे एलिमेंट्स के लिए भी सोर्स टैग अलग अलग काम करता है। जैसे कि किसी के अंदर हमें फाइल एग्जीक्यूट करना हो, फाइल दिखाना हो, जैसे लिंक कराना है, तो उसके लिए हमें HREF यूज़ किया, लेकिन किसी के अंदर SRC यूज़ होता है। फिर से HREF कर देता हूँ। ओके और मैं यहाँ पे कोई इमेज ऑनलाइन कर देता हूँ, ये रही इमेज अभी के लिए। कौन सा इमेज चूज, BUR, अभी मैं NATURL नेचुरल फोटोज क्लिक देता हूँ, और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट ये मुझे पसंद आया, तो ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, इसे यहाँ से कॉपी इमेज लोकेशन, यानी कि वो इमेज की URL कॉपी हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि ये एक इस इमेज की URL है। अब मैं इस इमेज की URL को ये सोर्स के अंदर पेस्ट करने वाला हूँ, पेस्ट, और वो यहाँ पे इमेज आ चुका है।
अब हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट, यानी कि बाई चांस अगर इमेज ना आए किसी रीज़न की वजह से, नेटवर्क कनेक्शन इश्यू और उस सब की रीज़न की वजह से अगर ना आए तो उसके लिए यूज़ होता है अल्ट, इमेज ना आए तो उसके लिए यूज़ होता है अल्ट टैग, ताकि समझ सके ओके तो ये इस टाइटल का इमेज है। तो अभी मैं लिखता हूँ NATURAL IMAGE नेचुरल इमेज, ओके। अभी मैं यहाँ पे जेपीजी का जी हटा देता हूँ, नहीं सोर्स टैग ही नहीं देता, एम्प्टी रखता हूँ सोर्स टैग, ओके। कंट्रोल एक्स किया, एम्प्टी, और अभी देख सकते हैं तो ये नेचुरल इमेज आ रहा है, यानी कि यूज़र को पता चल जाएगा कि मेरा कोई नेटवर्क कनेक्शन है और ये नेचुरल इमेज का है, ऐसे हम दे सकते हैं। और अगर हम ये अल्ट टैग ना दे तो देखें क्या होता है, इसको मैं बैकस्पेस कर देता हूँ अभी के लिए, तो वो जाएगा ही नहीं। और जैसे ही हमने ये दिया, देखें नेचुरल इमेज आया और लोडिंग, जब तक लोडिंग हुआ तब तक नेचुरल इमेज आया, एंड देन ये इमेज आ गई, यानी कि यूज़र को समझ पड़ेगा कि अब ये नेचुरल इमेज आ रहा है, ओके। तो एक और एट्रीब्यूट है इसके अंदर जिसका नाम है विड्थ, किसी की आपको विड्थ और हाइट पता है, विड्थ यानी कि चौड़ाई और हाइट यानी कि हाइट, ओके। सो अभी मैं विड्थ 500 देता हूँ और हाइट भी 500, तो रेक्टेंगुलर थी, अभी देख सकते हो रेक्टेंगुलर, लेकिन अब परफेक्ट एक स्क्वायर बन चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रेक्टेंगुलर है, लेट्स सी 600 दे देता हूँ, अभी मुझे थोड़ी थोड़ी स्क्वायर दिख रही है, ओके। तो अब देख सकते हैं कि कैसे मैं इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ एक एट्रीब्यूट डाल के, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ से भी विड्थ चेंज कर सकते हैं इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाके, लेकिन उसके अंदर पिक्सल पॉइंट परसेंटेज ऐसा सब कुछ डालना पड़ता है, इसके बाद यहाँ पे जर्थ दिया इक्वल टू डबल कॉलन और जर्थ लिख दो, सिंपल है ये भी। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सटर्नल सीएसएस होता है, तो मैंने सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस बताया था, इंटरनल नहीं और इनलाइन सीएसएस नहीं बताया था, तो आज मैं दोनों के दोनों बताता हूँ। तो सबसे पहले इंटरनल सीएसएस, तो एक्सटर्नल सीएसएस हम किसी फाइल को लिंक कर अलग ही फाइल बनाते सीएसएस का और उसको लिंक करा देते हैं, इंटरनल सीएसएस के अंदर अलग होता है। इंटरनल सीएसएस के अंदर अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर इंटरनल सीएसएस डिफाइन करना है तो लिखिए स्टाइल टैग, यानी कि अब हेड के अंदर हमेशा स्टाइल टैग देना पड़ता है, देन सीएसएस में जाइए, कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, ओप्स कट, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देख सकते हैं कि मैंने अभी इसको कमेंट करके रखा है, लेकिन फिर भी ये हमें सेम टू सेम बता रहा है। देखिए अगर मैं ये इंटरनल सीएसएस को भी कमेंट करता हूँ, आप देख सकते ये सिंपल है, और जैसे इसको अनकमेंट रिटर्न, ब्यूटीफुल आ गया। तो ऐसे हम इंटरनल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं स्टाइल टैग दे के अंदर इंटरनल सीएसएस, स्टाइल टैग के अंदर क्लोजिंग टैग मेंशन होता है, यूनिवर्सल ऑपरेटर, ओके। लेट्स सी कि मुझे अब ये इमेज को है ना थोड़ा सा कर्व्ड बनाना है, यानी कि थोड़ा सा ये जो एज है ना ये उसको थोड़ा सा मुड़ाना है, तो उसके लिए हमें कोई, अभी यहाँ पे कोई दूसरा इमेज टैग तो मेंशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैं इमेज लिख लेता हूँ, ना हो तो मुझे क्लास लिखना पड़ेगा।
अभी के लिए इमेज ओके। और मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यानी कि बॉर्डर की जो रेडियस होती है यानी कि जो क्या कहते हैं रेडियस होता है जो कर्व शेप का होता है ना वो हमें अब मेंशन कर दिया। अब तो मैं दूंगा लेट्स सी कि कितना दूँ। हाँ 50 पिक्सल यहाँ पे पॉइंट पिक्सल देना पड़ेगा वो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व्ड लाइन आ चुकी है या कर्व्ड आ चुका है। अब मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं सर्कल भी बना सकता हूँ फ्रॉम 90 पिक्सल लेकिन ये फिर भी सॉरी 90% आप देख सकते हैं कि ये सर्कल के बदले ओवल बन गया। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर इमेज है यहाँ से ज़्यादा बड़ा और यहाँ से छोटा तो ओवल बन जाएगा तो हमें सर्कल बनाना है। तो सर्कल के लिए आपको पता है क्या करना है। विड्थ विड्थ एलिमेंट यूज़ कीजिए। विड्थ में देता हूँ 50 पिक्सल और हाइट भी मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। ओके ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। एटलीस्ट ये लोगो जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट एक सर्कल बन चुका है। वैसे हम बॉर्डर रेडियस यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। गाइस अभी मैं इस फाइल का अब हम देखेंगे इनलाइन सीएसएस। तो अभी मैं ये इंटरनल सीएसएस को भी कमेंट कर देता हूँ। हो गया कमेंट कुछ नहीं नॉर्मल आ चुका है। अब होगा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस वैसे बहुत यूज होता है। देखिए हम इनलाइन सीएसएस के अंदर कोई फाइल नहीं यूज करने वाले ना ही कोई टैग। इसके अंदर हम जिस टैग को स्टाइल करना चाहते हैं उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट दे देंगे यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट के फॉन्ट साइज बीच में आ गए। तब देख सकते कि मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट दे चुका है। हाँ और यहाँ और अभी आपको ये जो यहाँ पे तो हम यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते आपको तो पता ही है। तो यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज़ अगर नहीं करना है तो देखिए आप देख सकते कि यहाँ पे फिर से ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। यूनिवर्सल ऑपरेटर के बगैर नहीं जा सकता लेकिन हाँ वो बॉडी अगर बॉडी ना हो तो जा सकता है। मीन्स ये बॉडी के अंदर मार्जिन और पैडिंग 0 दे दे फिर भी वो वर्क हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस तो इनलाइन सीएसएस के लिए लिखे स्टाइल बॉडी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट और दीजिए मार्जिन 0 पैडिंग 0 मार्जिन और पैडिंग 0 और क्या बात है मैंने सही तो दिया है कुछ तो गड़बड़ है। मैं काम करता हूँ ये। अब यहाँ पे कोई स्टाइल एट्रीब्यूट देखे फॉन्ट का H2 का कलर ऑरेंज कर कलर RGBA में दे देता हूँ रेड ग्रीन ब्लू में कलर RGB और यहाँ से कॉपी कर देता हूँ कॉपी और पेस्ट। ओके गाइस ओ गाइस सॉरी याद आया कि बॉडी के अंदर नहीं यूज होता स्टाइल एट्रीब्यूट। देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं ये भी लिखूंगा ओनली मैं इसके अंदर
मार्जिन ही जीरो लिखूंगा ना, मार्जिन जीरो, फिर भी ये नहीं होगा क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट बॉडी में नहीं आता, तो ऐसे यूज होता है इनलाइन सीएसएस, इसलिए हमें इस आईडी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए नो आईडी, लेकिन फिर भी हमें बस ये एक इनलाइन, एक तो हमें बॉडी यहाँ पे यूनिवर्सल ऑपरेटर या बॉडी डाल के मार्जिन और पैडिंग जीरो तो करना ही पड़ेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों में से एक। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग तो एक्सटर्नल ही यूज़ होते हैं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है ना, और कभी कभी हमने बहुत लंबा कोड लिख लिया होता है, ओके, देन नीचे से ऊपर जाने के लिए सीधा दूसरे टैब पे जाना पड़ेगा और हो गया, ओके। तो अभी वैसे इस कलर को ऑरेंज दे देता हूँ फटाफट। तो स्टाइल कलर ऑरेंज और इमेज का बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ होता है स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट सारी जगह पे यूज़ होता है सिवा ये मेन एलिमेंट्स के अलावा, ना एचटीएमएल पे, ना हेड, ना टाइटल, टाइटल पे तो बिल्कुल नहीं होगा, ना बॉडी पे। तो स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या दिया है, बॉर्डर रेडियस, इसका मतलब यही नहीं कि हमें सिर्फ एक ही यूज़ कर सकते, बहुत सारे लाइक बॉर्डर रेडियस अभी मैं दे देता हूँ, नहीं सबसे पहले विड्थ लेनी पड़ेगी फिर बॉर्डर रेडियस। हाँ तो मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल। नाउ बॉर्डर RTIUS रेडियस, RTIUS बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 90%। अब देख सकते हैं क्या चुका है, और अगर आपको ये इनलाइन का सीएसएस यूज करके ही आपको ये जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो हटाना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिव। तो डिव कैसे यूज होते हैं, कंट्रोल एक्स कीजिए इसको, डिव एक टैग है, डिव टैग बहुत यूज होता है, लाइक अभी मैं कहीं नहीं जाता है, ये यहाँ पे जो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसका कोड। अब देखेंगे कि ऑल राइट, जैसे मैंने ओपन किया ना ड्यू टैग तो दिखाई देगा, एक सेकेंड ये बॉडी टैग ही नहीं ओपन है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन किया ड्यू टैग, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ड्यू टैग यूज हुए, तो ड्यू टैग बहुत यूज होता है, ड्यू टैग ऐसे भी यूज होता है कि ये जो ग्रुप है, लाइक अगर हम एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर बनाते हैं तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये सारे तो एक ग्रुप हुए ना एडिट करने के लिए कुछ भी, तो इसलिए हम यहाँ पे ड्यू टैग और क्लास दे सकते हैं, यहाँ पे भी स्टाइल यूज हो सकता है, ओके। तब यहाँ से स्टाइल मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, तो हाँ ड्यू टैग भी तो एक एलिमेंट है, वो तो भूल ही गया, ड्यू टैग भी एक एलिमेंट है ना, इसलिए इसको नहीं यूज होगा, हमें इनमें से एक्सटर्नल या इंटरनल में से ये तो लेना ही पड़ेगा। हाँ आई होप कि आपको एक्सटर्नल इंटरनल और इनलाइन और दूसरे सारे एलिमेंट लाइक डिव, H2, पैराग्राफ, इमेज टैग, ये सारे इसके सारे एलिमेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।